इसे पता था बेटी के घर ऐसे जाना होगा। आज तो हमने मुखलावे के लिए उसे अपने साथ घर लेकर आना था। आज तो मैंने उससे बहुत सारी बातें करनी थी, उसकी ससुराल के बारे में पूछना था, उनके रस्म और रिवाज के बारे में। बहाने बहाने से पूछना था वो खुश तो है ना। उसके लाड उठाने थे, फरमाइशें पूरी। नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। अब यही हमारा मुकद्दर है। क्यों शादी? क्यों लिखने वाले ने हमारी तकदीर में ऐसा स्याह दिन लिख दिया? मेरी भाई तो बहुत मासूम है, उसके साथ क्यों हुआ ये सब? सब्र करो, हिम्मत से काम लो। अगर तुमने ही सब्र हार दिया तो साहिबा और नाजिम का क्या बनेगा? वो इस गम का सामना कैसे करेंगे? नाजिम तो पहले ही हमसे नजरें नहीं मिला पा रहा। मुझे सिर्फ अपनी बच्ची की फिक्र है, वो अकेली कैसे रहेगी? उसकी सास की आंखों में लिखा पढ़ते हुए मुझे खौफ महसूस हो रहा था। शाजी, वो अपने बेटे की मौत को अल्लाह की कमी समझकर सबर नहीं करेगी। शाजी, मेरी बच्ची उसके रहम करम, वो लाख भी जाए तो उससे अच्छा सलूक नहीं कर पाएगी। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन माहे ने यह साबित कर दिया कि वो काजिम शाह की बेटी है, बहादुर बेटी। मुझे उसके फैसले पर दुख जरूर है, लेकिन मुझे फख्र है कि उसने ऐसे वक्त में वहां रहने का फैसला किया। तुम अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमारी बेटी साबित कदम रहे। अभी तो उसने और बहुत से तूफानों का सामना करना है।